रतलाम में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के दो आरोपियों को थाने के भागने पर अब पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बीती रात बिलपंग थाने का ये पूरा मामला है, जहां दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद तीनों आरोपियों को थाने लाया गया था। इसी दौरान दो आरोपी रवि और दीपक पुलिस हिरासत से भाग निकले। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आला अधिकारियों ने आसपास के थाने से पुलिस बल बुलाकर आरोपियों की सर्चिंग शुरू की है। 70 से 80 पुलिस के जवान रात भर फरार आरोपियों की सर्चिंग में जुटे रहे, लेकिन कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। जो तथ्य सामने अभी तक हमने जो पूछताछ किया है, उनका कहना है कि तो तीनों ही अभी अनमैरिड है। ये उस दिन घटना दिनांक को ये लोग एक साथ खेत में बैठ के शराब पी रहे थे। जब ये बच्ची दिखी इनको, उसके बाद सडनली ही इन लोगों ने प्लान बनाया। मतलब ऐसा कोई इनके मन में योजना या प्लानिंग पहले से नहीं थी। वो अकेली बच्ची दिखी तो उसको लोग उठा के ले गए अकेले खेत में और उसका दुष्कर्म किया। अभी इस तथ्य पे और जांच किया जाएगा। जान पहचान वगैरह कुछ निकली सर इनके आपस में? इनका गांव पास में ही है। मतलब देखा जाए तो ये सभी पलाश पंचायत के ही गांव हैं, उदरपाड़ा और अन्य गांव जो हैं, तो ये आपस में गांव वाले जानते हैं एक दूसरे को। कोई रिश्तेदारी है क्या आरोपियों में? नहीं नहीं, आरोपी जो है तीनों रिश्तेदार हैं। तीनों काका चाचा के बेटे हैं, मतलब इनके ग्रैंडफादर सेम है और उनके बेटों के बेटे हैं ये लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।